आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम अनमोल नगमे। तो बंधुजन चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। ते आदाब सशिकाल बंधुजन, कैसे हैं आप लोग? महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका एक हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ होस्ट आराधना शर्मा, हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर, जो आप हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो मिर्ची द्वारा प्रस्तुत किया जाए, इसे आप सुनते हैं। इस प्रोग्राम को आप रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर भी सुन सकते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारी रेडियो डिहाटीज की ऐप डाउनलोड की है तो प्रोग्राम को सुन आनंद ही कुछ और है। यदि हमारे इस प्रोग्राम को आप पहली बार सुन रहे हैं तो बता दूं बंधुजान, ये प्रोग्राम हमारे प्यारी 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 महिमा जी ने शुरू किया था। और ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद सिर्फ यही था कि वो चाहते ऐसे संगीतकार, ऐसे लिरिसिस्ट, ऐसे गायक जिनको हम भूलते जा रहे हैं, जिनकी रचनाओं को हम याद नहीं करते या कहीं याददाश्तें पीछे जा रही हैं, तो क्यों ना हम उनको फिर से याद करें और उनको अपने मन में रखें, उन गानों को हम सुने जिन्हें लोग आज की पीढ़ी जो जानती नहीं है। तो पिछले शुक्रवार को यदि बंधुजन आपने हमारा प्रोग्राम सुना होगा तो आपको याद होगा कि हमने अनमे सुने थे संगीतकार रवि शंकर शर्मा जी के, जिन्हें ज़्यादातर लोग सिर्फ रवि के नाम से ही जानते, वो रवि ही शर्मा जी को लगाते ही नहीं है, खैर आप के नाम से उनको जानते हैं। तो ये अनमोल नगमे आपने सुने, आपको अच्छा लगा प्रोग्राम, लेकिन उनके ये गानों की लिस्ट इतनी लंबी है, फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं एक एपिसोड में तो उसे कभी भी पूरा नहीं कर सकती। तो बंधुजान आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और सुंदर, बहुत ही मधुर संगीत और बहुत ही प्यार भरे गीत अनमोल नगमे। तो क्यों आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हमराज बनिए। तो सुनाते हैं सुहानी शाम का अर्थ, बहुत ही बड़ी फिल्म हम से, आवाज़ है महेंद्र कपूर की, बोल हैं सहेल जी के और इसे संगीतबद्ध किया है रवि साहिब जी ने, किसी पत्थर की मूरत से। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, बत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धनी समझे न आँखों की जुबां समझे, जो दिल की धड़क समझे न आँखों की जुबां समझे, दर की गुफ्तगू समझे न जज्बों का बयां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोई है,
ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कभी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे, हर एक बजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, वा जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत इरादा है। बंधुजन, पिछले एपिसोड में आपको मैं रवि जी के जीवन के बारे में कुछ बता चुकी हूँ ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा भी बताती हूँ जो पहली बारी लोग सुन रहे हैं तो उनको भी पता होगा। जन्म हुआ था मार्च 3, 1906 दिल्ली में, वो पैदा थे और बचपन से उन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था, गाने का बहुत, लेकिन उन्हें कोई क्लासिकल ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, अपने पिताजी को सुनते सुनते म्यूजिक सीख गए थे और 1950 में वो गायक बनने के लिए मुंबई में आ गए थे, मूव हो गए थे, लेकिन मुंबई में आ और वहाँ पे संघर्ष इतना ज़्यादा था, कभी वो भूखे रहते थे, कभी फुटपाथ थे, कभी वो रेलवे स्टेशन थे, बहुत संघर्ष किया, उनको सोलो सॉन्ग भी नहीं मिल, शुरू में तो मिल ही नहीं सका, लेकिन बाद में उन्होंने एस डी बर्मन जी के साथ कोर्स में गीत गाए और उसके बाद उन्होंने हेमंत दा के साथ दूसरा कोर्स किया और फिर हेमंत दा ने ही उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और वो गीत में वो संगीत देने लगे, तो उनकी बहुत सारी फिल्म चली और बहुत हिट भी हुई थी, लेकिन लकीली उनकी जो सौभाग्यवश उनकी जो मुलाकात थी वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर गोयल साहब देवेंद्र गोयल जी से होगी, जिन्होंने जो उस समय ढूंढ रहे थे किसी अच्छे संगीतकार को अपने वचन के लिए, तो उन्होंने रवि जी को मौका दिया, तो रवि जी ने फिल्म बनाई और उस फिल्म में सिर्फ उन्होंने संगीत ही नहीं दिया बंधुजान, उस फिल्म में उन्होंने गीत गाए भी, जी के साथ डुएट भी गाया और 2-3 फिल्म सॉन्ग्स के तो उन्होंने भी लिखे, तो ये फिल्म जो काफ़ी हिट हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री में, लोगों ने उनको जानना शुरू कर दिया था और ऊंची उड़ान भी वो भरने लगे थे, तो लेकिन जिस गीत को लेकर पूरे विश्व में पूरी दुनिया में उनको पहचान मिली वो सुनाऊंगी उस रोमांचकारी गीत की कहानी मैं आपको थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी सुनते हैं खूबसूरत गीत रहमान साहेब और वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया ये गीत है, फिल्म कौन अपना कौन पराया, आवाज़ है रफ़ी साहब जी की और बोल है शकील वदायनी जी के और इसे संगीत रवि, जरा सुन हसीना ए नाजनीना। जरा सुन हसीना तेरा दिल तुझी पे निसार है, जरा सुन हसीना नाज़नी मेरा दिल तुझी पे सार है, तेरम से ही मेरे दिल मेरी जिंदगी में बहार है, जरा सुन हसीना नाज़नी जरा
मैं हूँ अपने आप से बेखबर, जब से मुझ पे तेरी नजर। मैं हूँ अपने आप से बेखबर, जिस दिल में तेरा गुजर हुआ, जब से मैं तेरा गुजर। मुझे चैन है करार है, जरा सुन हसीना नाज़नी। तेरे हुस्न से जो सवर गई, वो फजाए मुझको अजीज है। तेरे हुस्न से जो सवर गई, वो फजाए मुझको अजीज है। तेरी जुल्फ से लिपट गई, तेरी जुल्फ से जो लिपट गई। मुझे उन हवाओं से प्यार है, जरा सुन हसीना नाज़नी। हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सामियां, ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां। मुझे क्यों नरश्क हो ऐसनम, मुझे क्यों अश्क हो ऐसनम। तेरे साथ फसल बहार है, जरा सुन हसीना। बंधुजान, फिल्म 14वीं का चांद नाम सबने सुना होगा, और मुझे उम्मीद है ये खूबसूरत रोमांटिक फिल्म आप सबने जरूर देखी होगी। किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको इसका। गुरुदत्त साहब ने रवि जी को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए चुना था, और उन्होंने फिल्म की स्टोरी उन्हें सुनाई, और इस फिल्म के लिए गीत किसाए जाएं। रवि साहब जी का जवाब था कि किसी अदबी शायर से लिखवाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ी सी मुस्लिम बैकग्राउंड की फिल्म, फिर अगर आपको कोई ऐसा शायर मिलता है तो आप उससे लिखवाइएगा। गुरुदत्त जी ने शकील साहब को चुना। हाँ, उन दिनों कैफी आज़मी साहब भी एक बड़ा नाम था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने रवि जी को के पूछने पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो शकील से ही लिखवाना चाहता हूँ। तो शकील साहब को गुरुदत्त के साथ ये पहली पिक्चर थी, और वो रवि जी के साथ भी पहली बार ही काम कर रहे थे। रवि जी एक दिन कहीं से थे, वो घर जा रहे थे, तो इस फिल्म के बारे में सोच रहे थे। तो उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना जो ये फिल्म का टाइटल है 14वीं का चांद, इसे ही गीत में लिया जाए। तो घर आके उन्होंने जल्दी से शकील साहब को फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एक आइडिया आया है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। तो वो घर आए, कैसे वो गीत कैसे बना, मैं आपको पहले ये गीत आप सुना देती हूँ आपको। पहले आप ये गीत सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये गीत की रचना कैसे हुई। तो आइए सुनते हैं ये कि क्या तारीफ है, और शब्द तो सुनते ही बनते हैं। 14वीं का चांद है, आवाज़ रफी साहब जी की, बोल हैं शकील बदायनी जी के, और संगीतबद्ध किया है रवि जी ने। 14वीं का चांद हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो,
से काप दल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे काप बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैक ताले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बार तुम किस शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लबाब हो, चौदहवीं का चांद हो। खेलती है बसों की बिजलियां, होंठों पे खेलती है तबसुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद। शकील साहेब उन दिनों नौशाद साहेब और गुलाम मोहम्मद जी के साथ थे, लेकिन गुरुदत्त जी ने उन्हें अपनी फिल्म चौदहवीं का चांद में गीत लिए मना ही लिया। उस दिन जब शकील साहेब जी के कहने पर उनके घर पहुंचे तो रवि जी ने कहा कि चौदहवीं का चांद फिल्म के टाइटल को ही अगर गीत में रखें तो कैसा लगेगा, क्योंकि बंधुजन अगर आपने फिल्म देखी हो तो उसमें वो सीन है जबकि गुरुदत्त जी पार्टी से आते हैं रात को घर, देखते हैं कि वहीदा रहमान अपने बिस्तर पे लेटी हुई है सो रही है, तो उनके हुस्न देख के ये जो गीत था वो बना, ऐसी स्टोरी गुरुदत्त जी ने आपको दी थी। तो शकील साहब सोचने लगे, उन्होंने कहा ठीक है चौदहवीं का चांद तो उसके बाद, लेकिन आगे क्या कहें, तो शकील साहब चौदहवीं का चांद या आफ्ताब हो, रवि जी ने धुन और गा के भी उन्हें सुनाया चौदहवीं का चो या आफ्ताब हो, लेकिन अब क्या कहें। तो शकील बदायनी जी तो बहुत अच्छे राइटर थे, उन्होंने कोई एक मिनट सोचा होगा और कहा जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो, बस फिर क्या था, लिखा गया धुन बन गई और अब बारी थी गुरुदत्त जी को सुनाने की। स्टूडियो पहुंचे गुरुदत्त जी और उनकी सारी टीम को जब सुनाया गया तो सबने ही तारीफ की, लेकिन इसमें जान तो बंधुजान तब आई जब रफ़ी साहब ने उसे अपने मीठे सुरों में ढाल दिया और ये गीत उसकी एक मिसाल बन गया। तो ऐसे ही इस गीत की रचना हुई थी और रवि साहब ने अपने मधुर संगीत में इसे ढाल लिया था। तो एक और सदाबहार गीत फिल्म वक्त, जिसे हर जोड़ी, हर मैरिड जोड़ी अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में जरूर गाती है, मन्ना दा की आवाज़ है, बोल हैं साहिर लुधियानवी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है रवि जी ने। मालूम नहीं Oh
तेरी जोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी जोहरत भी मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाँसपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाँसपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिल जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ। ऐ मेरी जोहरत जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा। ऐ मेरी जोहरत जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी जोहरत जबी तुझे मालूम नहीं है। महिमा जी के अनमोल नगमे आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ, और एक बार फिर से मैं आपका इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद करती हूँ और आपका अभिवादन हूँ। आज हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक कंपोज़र लिरिसिस्ट सिंगर रविशंकर शर्मा जी की। फिल्म चौदहवीं के चांद की सफलता के बाद तो रविशंकर जी को बड़ी बड़ी बजट की फिल्म्स मिलनी शुरू हो गई, जिसमें से घर की लाज, घूंघट, चाइना टाउन, गृहस्थी और गुमराह जैसी बजट की फिल्म शामिल हैं। इन फिल्म्स के बाद रवि जी ने तो नई बुलंदियों को छुआ और एक के बाद एक खूबसूरत गीत देकर लोगों के दिलों में वो बसते गए। सुनते और बहुत ही खूबसूरत रचना फिल्म मन का मीत से, आवाज़ है आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी की, बोल हैं राजेंद्र किशन जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है अपने मधुर संगीत में रवि जी ने अपनी आँखों के। दुनिया की रोशनी याद दिलाती
नजर में दुनिया की अपनी जुल्फों के अंधेरे में छुपा लो मुझको, अपनी आँखों के झरोखे संगीत की वजह से लोगों के में पहुंचे। कोई भी शादी विवाह उनके संगीत के बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई दुल्हन अपने घर से विदा नहीं होती जब रवि जी का वो गीत याद है आपको, बाबुल की दुआएं लेती जा ना बजे। दूसरा गीत वो डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, वो भी तो हर शादी विवाह में बजता है। रवि जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि किसी शादी में मैंने बाबुल की दुआएं लेते जा ये गीत गाया, उस शुभेंद्र कृष्ण जी भी उस पार्टी में थे और ये गीत सुनकर वो फूट फूट कर रोए। तो ये हालात देखकर कहते मैं समझ गया कि ये गीत ज़रूर हिट होगा और वैसा ही हुआ। और हाँ, आपको याद कि कोई भी बारात घर से बाहर नहीं निकलती जब घोड़ी के आगे ये गीत ना बजाया जाए। कौन सा गीत सुनाती हूँ आपको, फिल्म आदमी सड़क का है, देवेंद्र वर्मा जी, रफ़ी साहेब और की बोल हैं वरिक जी के और इसमें दिया है रवि जी ने, आज मेरे यार की है। होती है करीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है ए मेरे दोस्त, शादियाँ नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे तारे संसार की शादी है, मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वक्त खूबसूरत था शुभ लग्न मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है लगी भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन के संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन, मासूम कली से मेरे गुलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है।
सुन मेरे दिल जानी, तेरी ये जवानी शुरू अब होने लगी है, नई तेरी जिंदगानी, नई तेरी जिंदगानी। खुशी से क्यों इतराए, आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला दुल्हनिया तुझे नचाए, दुल्हनिया तुझे नचाए। किसी के सपनों के सोलह सिंगार की शादी है, आज मेरे यहाँ शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लाऊं तेरे सिर को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। आज लूंगा मैं बलाएं, दूंगा दिल से दुआएं, डाल गल में ये बाहर के, डाल गल में ये बाहें अब यार के। एक चमन से आज बहार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। सभी हिंदी फिल्म्स के बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, लेकिन इतना ही नहीं साउथ फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ भी उन्होंने खूब काम किया है। जेमिनी फिल्म्स की ज़्यादा हिंदी फिल्म्स में रवि जी का ही संगीत है, जिसमें दो कलियां, पैसा या प्यार, घूंघट, घराना और समाज को बदल डालो जैसी सुपरहिट फिल्म्स में उन्होंने संगीत दिया था, और 16 मलयालम फिल्म्स में भी उन्होंने संगीत दिया, लेकिन जिसमें से 11 सुपरहिट फिल्म्स हुई थी। भाषा ना जानते हुए बंधुजान उनका संगीत इतना प्रसिद्ध हुआ कि घर घर में वो बॉम्बे रवि के नाम से जाने लगे। अब आप पूछोगे कि बॉम्बे रवि क्यों, क्योंकि शायद वहाँ साउथ इंडियन म्यूज़िक कोई संगीतकार रवि जी होंगे जिसके लिए थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना था उनको, तो इसलिए उनका नाम बॉम्बे रवि रखा गया। सो सुनते हैं घूंघट फिल्म से ही अगला गीत, आवाज़ है आशा भोसले जी और रवि साहब जी की और बोल हैं शकील बुदायनी जी के, मधुर संगीत दिया है रवि जी ने, यही का मौसम। मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले तुम भर को आशियाना, ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले तुम भर को आशियाना, ये जिंदगी का मौसम। झूमती बहारे ये प्यार के नजारे, झूमती बहारे ये प्यार के नजारे, जी चाहता है सदम कोई हमें पुकारे, जी चाहता है सदम कोई हमें पुकारे, कोई हमें पुकारे। इस अंजुमन में आके दिल हो गया दीवाना, आओ यही बना ले घर को आशियाना, ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले घर को आशियाना, ये जिंदगी का मौसम। नजरें कहीं है कातिल, दिल है कहीं निशाना, आओ यही बना ले दम
घर को आशियाना, ये जिंदगी का मौसम, ये समा सुहाना, आओ यही बना ले सांभर को आशियाना, ये जिंदगी का मौसम। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर लिरिसिस्ट रवि शर्मा जी की। रवि साहब और शकील बादोनी जी की जोड़ी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा चली थी, बहुत मीठे मीठे गीत इन्होंने दिए। शकील साहब सर रवि जी के घर में आते थे, वहीं पर काम करते, तो रवि साहब ने एक दिन जब वो बैठे थे तो उन्हें कहा कि रात को मैं एक महफिल में बैठा था और एक शायर ने बहुत ही बढ़िया गज़ल गाई। तो शकील जी ने पूछा कि गज़ल क्या थी। रवि जी ने कहा एक दो शेर मुझे याद है, कहो तो सुना देता हूँ। पैर है मेरे फसाने में क्या बात पाई जाती है, मेरे फसाने में क्या बात पाई जाती है, सुनते सुनते उनको नींद आई जाती है। और दूसरा शेर उन्होंने सुनाया, वो अपनी निगाहों को कुछ नहीं कहते, वो अपनी मस्त निगाहों को कुछ नहीं कहते, हमने शराब तो तोहमत लगाई जाती है। रब को एक और शेर याद था, वो भी उन्होंने सुना दिया। तो शकील जी बोले इससे आगे, उन्होंने कहा कि इससे आगे तो मुझे याद नहीं है। शकील जी बोले अच्छी गज़ल है, एक शेर मुझे भी याद है। रवि जी ने कहा अच्छा तो मुझे लिखवा दीजिए। तो वो लिखवाने, अजीब हमने ये दस्तूरे ज़माना देखा, अजीब हमने ये दस्तूरे ज़माना देखा, हमारी नज़म हमको ही सुनाई जाती है। तो रवि सावधान हुए, कहने लगे क्या ये आज़म है। बोले हाँ मेरी है, अगर आखिरी शेर भी लिखना चाहते लिखवा देता हूँ। खैर बंधुजान, ऐसी मज़ेदारें तो ज़िंदगी में होती ही रहती हैं। सुनते हैं इसी जोड़ी का एक और गीत फिल्म उम्मीद से, आवाज़ है रफ़ी साहब जी की और गीत का नाम है मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास, क्या कमी है जिसे गम नहीं, फिजा का बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास, क्या कमी है जिसे गम नहीं, फिजा का बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये नीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मुझे गमे कदर न मुझे गमे जमाना, तेरे दम से है सलामत
सलामत मेरे दिल का आशियाना, रहे उम्र जुबा पर तेरे प्यार की कहानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। 1970 से 1980 के लंबे अंतराल के बाद एक बार से रवि जी ने इसके लिए गीत लिखने शुरू किए। 1981 में बीआर चोपड़ा जी की निकाह बना रहे थे तो राज बब्बर प्रेशर फिल्म के हीरो थे और पाकिस्तान से आई सलमा आगा फिल्म की हीरोइन थी। बीआर चोपड़ा जी ने सर के लिए रवि जी को चुना क्योंकि रवि जी उनकी फिल्म गुमराह, वक्त और धुंध जैसी फिल्म से पहले संगीत दे चुके थे, लेकिन लोग मानते थे कि इस फिल्म में रवि जी का संगीत नहीं चलेगा। उन्होंने बी आर चोपड़ा जी को समझाने की कोशिश की और रीज़न ये दिया कि ये मुस्लिम बैकग्राउंड की फिल्म है और इस शाह साहब या फिर किसी और को लेना चाहिए क्योंकि रवि साहब मुस्लिम बैकग्राउंड पर बढ़िया धुन नहीं बना पाएंगे। बी आर चोपड़ा साहब तो सोच में पड़ गए लेकिन फिर बोले कि नहीं, हम रवि को ही लेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। निकाह में रवि जी ने ही संगीत दिया और 1980 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। तो सभी गीत बंधुजान, अगर आपने देखी हो ये फिल्म तो आपको पता होगा इस फिल्म के सभी गीत हिट हुए थे। क्यों ना सुनाऊँ मैं आपको इसी फिल्म का एक और, सुनते हैं, बहुत ही फिल्म है और आवाज़ है सलमा आगा जी की। आज तक मैंने उनका कोई गीत आपको नहीं सुनाया, तो सुनिए, बोल है कमल जी के और इसे बद किया जी ने दिल के अरमानों में बह गए, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, सुनिए। दिल के अरमानों में बह गए, दिल के अरमानों में बह गए, हम वफा करके तन्हा रह गए, दिल के संगीतकार के रूप में रवि जी ने को छुआ।
उनकी आखिरी फिल्म निकाह ही मानी जाती है। 7 मार्च 1912 को हे विदा लेकर कहीं दूर चले गए, लेकिन इन ठंडी हवाओं में, सुंदर वादियों में उन गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। बंधुजान, आप सुन रहे थे रेडियो द्वारा प्रस्तुत महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना के साथ। इस आखिरी नगमे के साथ मैं आपसे चाहती हूँ, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर ईमेल कीजिए bandhu@media.mahima.com पर। हमें आपके सुझावों का सब्री से इंतज़ार रहता है। अगले बार को फिर मिलेंगे इसी वक्त समय, तब तक के लिए गुड शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए। बदन से ये आखिरी नगमा आशा भोसले जी की आवाज़, बोल हैं शकेनी जी के, और इसे स्वत किया है रवि जी ने, जब चली ठंडी हवा। एंजॉय कीजिए, नमस्ते, आदाब। चली